हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटर पनीर की एक बहुत सिंपल लेकिन अमेजिंग रेसिपी। मैंने इसे सर्व किया है जीरा राइस के साथ, लेकिन ये पूरी, पराठे, नान, पुलाव किसी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 400 ग्राम पनीर, 2 हरी मिर्च, 1 प्याज, 5 टमाटर और 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा हरी मटर। हरी मटर ये ताज़ी है, आप चाहें तो फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं। मटर को हमें बॉईल करना है, तो मटर में मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है और इसको एक उबाल आने तक हम बॉईल कर लेंगे। मैंने इसे यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। ये अच्छी तरह सॉफ़्ट हो गई है। अब हम इसका पानी निकाल देंगे और मटर को अपनी रेसिपी में यूज़ करेंगे। अब मैंने एक नॉनस्टिक पैन को हीट करा है और उसमें लगभग 1 छोटा चम्मच ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो ऑयल थोड़ा सा बढ़ा के भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पनीर को रोस्ट कर रही हूँ, जिससे पनीर सॉफ्ट हो जाएगा और उसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग हो जाएगा। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। इससे पनीर के क्यूब्स थोड़ा कलर गेन कर लेंगे और ग्रेवी में वाइट वाइट नहीं दिखेंगे। तो इस समय आपको भी नॉनस्टिक पैन ही यूज़ करना है, नहीं तो पनीर चिपक जाएगा। नॉनस्टिक का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि बहुत कम तेल में अपना काम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पनीर ने येलो कलर ले लिया है और पनीर सॉफ्ट हो गया है और कुछ कुछ इसमें गोल्डन क्रस्ट भी आ गई है। अब जो हमने टमाटर लिए थे, उनको एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के हमको ग्राइंड कर लेना है। इसके साथ मैं हरी मिर्च भी ग्राइंड कर ले रही हूँ। तो ये प्यूरी बनके बिल्कुल तैयार है। स्मूथ प्यूरी हमें बना के तैयार करनी है। तो अब मैंने एक पैन को हीट करा है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा गर्म हो जाने देंगे, फिर इसमें खड़े मसाले डालेंगे। मैंने लिया है 1 चक्रफूल, जीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी, 1 इलायची और 2 से 3 लौंग। सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे और इनको अच्छी तरह क्रैकल हो जाने देंगे। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ का अनियन, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, और इसको हम गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो जब तक प्याज भुन रहा है, मैंने निकाल लिए हैं ड्राई मसाले। ड्राई मसाले में मैंने लिया है 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, किचन किंग मसाला और नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 भर के चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये ताज़ा बना हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट है, जो बहुत अमेजिंग फ्लेवर देता है मटर पनीर में। इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो प्यूरी, जो हमने ग्राइंड की थी, और इसके साथ ही सारे मसाले जो हमने निकाले थे, वो भी इसके साथ मिला देंगे। जैसे जैसे टमाटर पकेगा, हमारे मसाले भी भुन के तैयार हो जाएंगे। सब चीज़ों को एक बार अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। वैसे तो टमाटर पकने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसे अगर कवर कर दिया जाए तो 2 से 3 मिनट में ही पक के तैयार हो जाता है। तो मैं भी यहाँ पर इसको कवर कर रही हूँ। तो कुछ देर हो चुकी है, चलिए इसे चेक करते हैं। टमाटर हमारा पक गया है, क्योंकि देखिए आप, तेल सारा हमारा फ्लोट हो रहा है और मसाले से अलग हो गया है। मसाला हमारा बन के तैयार है। अब इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच फ्रेश कर्ड। ये थिक कर्ड होना चाहिए, पतला वाला दही हमें यूज़ नहीं करना है। इसको भी इसे मिक्स कर देंगे। दही डालने से ग्रेवी का कलर और टेस्ट एकदम बदल जाता है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हो जाता है। तो इसे भी हम कुछ देर के लिए कवर करके पकाएंगे। दही को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट में ही कवर करेंगे अगर आप, तो ये पक के तैयार हो जाएगा। तो हमारी बहुत टेस्टी अच्छी ग्रेवी दिख रही है, बहुत टेम्प्टिंग लग रही है ये। अब इसको एक बार फिर से चला देते हैं। अब हम इसमें मटर और पनीर मिलाएंगे। तो मटर जो हमने बॉईल की थी, उसको इस तरह स्ट्रेनर में छान दिया था, और मटर हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे पनीर क्यूब्स, जो कि हमने रोस्ट किए थे। तो ये सारी चीज़ें इसे मिला देंगे और पानी डाल देंगे। पानी आप अपने ज़रूरत के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हो तो पानी थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए। मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है और मैं मीडियम थिकनेस की ग्रेवी बना रही हूँ। तो इसको भी एक बार मिक्स कर देंगे और पूरे सारी चीज़ों को एक साथ हम 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। एक बार फिर से इसकी लिड ऑन कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे।
तो 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी मटर पनीर की बहुत टेम्पटिंग रेसिपी बनके तैयार है बिल्कुल। अब हम इसे फिनिश करेंगे गरम मसाले से। तो आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है और फ्रेशनेस के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इन दोनों चीज़ों को भी मिक्स कर देंगे और हमारी मटर पनीर की सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैंने बनाया है जीरा राइस, तो मैं इसे जीरा राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। राइस के अलावा ये पूरी, पराठे, नान सबके साथ बहुत अच्छी लगती है और ये बनी भी बहुत टेस्टी है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।